A very good morning, everyone. Welcome back in your English language class. As you know that today is a Thursday, so we'll complete English grammar. Okay. So your chapter number 9, nouns, numbers. Okay. So nouns, as you know that what is the definition of noun? Noun is a name of place, person, thing, animal, etc. And as a number. Okay, like. As you are doing in your notebook, like numbers means singular and plural. Okay, कि we have to we convert singular to plural form, like a girl, girls. इसमें हम s या es का use करते हैं. Okay, accordingly to the name of a noun. Okay, so अगर कोई वन थिंग होती है, कोई भी एक चीज़ होती है, तो उसको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं. और मोर देन वन होता है तो उसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं. वट एवर इट इज़ 2, 3, 4, 5 और मोर देन 1000 और मोर देन दैट. ओके, अगर मोर देन वन है तो दैट विल बी काउंटेड एज अ प्लूरल. ओके, तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. लेट्स बिगिन. प्लीज़ गिव मी योर बुक. ओके, तो इन दिस सेंटेंस विच इज़ नाउन? बुक ओनली. ओके, और कोई नाउन नहीं इसमें. बुक थिंग है, बुक नाउन है. इसमें सिर्फ बुक कहा है, दैट मीन्स ये सिंगुलर है. ओके, क्योंकि इसमें एस और ई एस का यूज़ नहीं किया गया है. रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. प्लीज़ गिव मी योर बुक्स. तो बुक्स, नाउ बुक में एस का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स दिस इज़ अ प्लूरल, दिस इज़ अ मोर देन वन बुक. ओके, बट वी डोंट नो हाउ मैनी, बट इट्स मोर देन वन, तो इट्स विल बी काउंटेड एज अ प्लूरल फॉर्म. तो ये प्लूरल फॉर्म हो गई. नाउ नेक्स्ट, द नाउन बुक स्टैंड फॉर ओनली वन थिंग. ओके, वो सिर्फ वन थिंग के लिए स्टैंड करती है. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, इसलिए सिंगुलर नंबर में काउंटेड है. एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन और वन थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर. तो वो सिंगुलर ही होगा अगर वो एक चीज़ होती है. ठीक है, लाइक अ बॉय, मैन, डोंकी, चेयर, डेस्क, नाइफ, एट्सेट्रा. ये सब किस में है? सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे एस और ई एस का यूज़ नहीं हुआ है, प्लूरल फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है. कुछ नाउंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें एस और ई एस की लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मैन है, एम ए एन. इसको मैं अगर प्लूरल में करना है तो एम ई एन हो जाएगा. ठीक है, कुछ ऐसे होती हैं जिसमें हम एस और ई एस और ई का भी यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि हेयर, हेयर को हम हेयर ही कहेंगे. ओके, फिश को हम फिश और फिश फिशेस दोनों कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, द नाउन बुक्स स्टैंड्स फॉर मोर देन वन थिंग. इट इज़ देयरफॉर सेड टू बी इन द प्लूरल फॉर्म, इसलिए इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट इंक्लूड किया गया है. एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा अगर लोगों में, एक से ज़्यादा चीज़ों में अगर वो आता है तो वो प्लूरल फॉर्म होता है. लाइक देखिए आ गया ना, बॉयज़, एम एन मैन, डोंकीज, चेयर्स, डेस्क, नाइफ्स में. इन्हें जब हम नाइफ को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एज यू कैन सी ऊपर के नाइफ में एन आई एफ ई है और नीचे के नाइफ में एन आई वी ई एस है, तो एफ ई को हटाकर हम वी ई एस का यूज़ करते हैं. नाउ एक्सरसाइज वन, अंडरलाइन द नाउन्स इन दी सेंटेंसेस. हमें अंडरलाइन करना है सबसे पहले तो इन सेंटेंस में जो हमारी नाउन होंगी. ठीक है, राइट पी फॉर प्लूरल, एस फॉर सिंगुलर. अगर हमारा प्लूरल फॉर्म पहले है तो हम पहले पी लिखेंगे, सिंगुलर बाद में, तो हम बाद में सी लिखेंगे. अगर हमारा पहले सिंगुलर है तो हम पहले वाले बॉक्स में एस लिखेंगे और बाद में प्लूरल तो हम बाद वाले बॉक्स में पी लिखेंगे. ठीक है, नाउ द बॉयज राइट राइटिंग इन नोटबुक्स. तो इन दिस सेंटेंस वी हैव टू नाउन्स, बॉयज़ एंड नोटबुक्स, एंड बोथ आर, यू कैन सी बोथ आर प्लूरल. बॉयज़ एंड नोटबुक्स दोनों में एस का यूज़ हुआ है, तो बोथ आर प्लूरल, राइट पी एंड पी. नेक्स्ट वन, अ लिटिल गर्ल इज़ प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स. तो इसमें लिटिल गर्ल है और फ्रेंड्स हैं, तो लिटिल गर्ल, गर्ल है ओनली, तो ये सिंगुलर है, फ्रेंड्स प्लूरल होता है, तो एस और पी का हम करेंगे. फर्स्ट में एस एंड सेकेंड पी प्लूरल. नेक्स्ट सी, काउज गिव मिल्क. अब काउस तो प्लूरल होगी, मिल्क ये अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर फॉर्म में इसे हम यूज़ करेंगे. डी, देयर आर मेनी हाउसेज इन दी इन दिस स्ट्रीट. हाउसेज प्लूरल फॉर्म में, स्ट्रीट सिंगुलर है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नो, लेट्स डू द नेक्स्ट नंबर एक्सरसाइज. नॉट नेक्स्ट, द नेक्स्ट नंबर. There are 5 cups on the table. So cups, okay. So cups is a plural and table is a singular. The room has 4 walls. Room singular, walls plural.
ऑल द इंक पॉट आर न्यू. तो इंक पॉट्स ओनली वन नाउन इन दिस क्वेश्चन. इंक पॉट्स इट्स अ प्लूरल. तो राइट ओनली पी. द नेक्स्ट बॉल विल बी ब्लैंक. एच नंबर आई हैव थ्री बॉल्स बट ओनली टू बैट्स. ओके तो बॉल्स एंड बैट्स बोथ आर प्लूरल. ओके सो राइट पी एंड पी. ऑल माई सिस्टर कैन सिंग वेल. सिस्टर ओनली वन नाउन इज इन दिस सेंटेंस. सिस्टर इज अ प्लूरल. नाउ देयर आर सेवन डेज इन अ वीक. तो डेज प्लूरल, वीक सिंगुलर. दिस बुक हैज 64 पेजेस. बुक सिंगुलर, पेजेस प्लूरल. डू यू सी दोज लिटिल बर्ड्स. दोज भी हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को इंडिकेट कर रहे हैं. दोज ऑल्सो प्लूरल एंड बर्ड्स प्लूरल. ओके दिस इज ऑल फॉर टुडे. कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड रेस्ट ऑल विल कंप्लीट टुमारो. थैंक यू.